हेलो फ्रेंड, मैं हूँ स्वाति। मैं आज बनाने जा रही हूँ ओल की सब्जी, जिसे कई जगहों पे सूरन भी बोलते हैं। तो ओल की सब्जी बनाने के लिए मैंने पहले ओल को अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद मैं इसे 2-3 सीटी लगाई, बॉईल कर ली। बॉईल करने से पहले मैंने इसमें थोड़ी सी लाइट हल्दी और लाइट नमक डाला, फिर मैं इसे बॉईल करके कट कर लिया। अभी मैंने इसके लिए मसाले तैयार किए हैं, जिसके लिए हमें लेने पड़ते हैं जीरे, काली मिर्च, लहसुन और आदि। तो ये मैंने पहले से पेस्ट तैयार करके रख लिया है। और फिर मुझे इसके लिए लेने होंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी हींग, लेमन, स्वाद अनुसार आपको नमक लेने होंगे और ये धनिया की पत्ती। सो फ्रेंड्स, अभी कटे हुए ओल को सेलो फ्राई करना है। तो अभी मैंने इसमें सरसों का ऑयल डाला है, सरसों तेल। अभी ये थोड़े गर्म हो जाते हैं तो मैं इसमें डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल दी। बस मुझे इसे सेलो फ्राई करना है, इसलिए मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अभी ये थोड़े थोड़े ये रोस्ट हो रहे हैं और ये कलर अपने चेंज करेंगे, थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तभी मैं इन्हें निकालूंगी। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया था और मैंने 250 ग्राम ओल लिए थे ओल की सब्जी बनाने के लिए। मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली हूँ, कम ही में ली हूँ और मैं इसे बना रही हूँ। देखिए, तो बहुत अच्छी सब्जी बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं। देखिए अभी ब्राउन हो गए हैं और इसे मैं पेपर टॉवल पे अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ और मैं इसे पेपर टॉवल पे निकाल लेती हूँ, जिससे कि एक्स्ट्रा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे पेपर टॉवल पे निकाल लिया है, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल आपके ये पेपर ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसमें कम ऑयल रहते हैं। सो मैंने इसमें थोड़े से 1 टेबल स्पून के करीब में मैंने इसमें तेल डाला है। अभी मैं इसमें लाल मिर्ची डालूंगी, थोड़ा सा मैं फ्लेम को तेज करती हूँ। अभी मेरे ऑयल गर्म हो चुके हैं तो मैं इसमें जीरा डालूंगी। अभी ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे रेड चिली और जीरा, तो मैं इसमें स्पाइस ऐड कर दूंगी। अभी मैं इसमें पिसा हुआ ये मसाला ऐड कर देती हूँ। मैंने हमने मसाला तैयार किया था। थोड़ा ब्राउन होंगे टर्मरिक डालूंगी 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून थोड़े से आपको हींग इसमें ऐड करनी है। अभी थोड़े देर पक जाएंगे तो ब्राउन हो जाएंगे। पकने के बाद तेल को अलग कर लेते हैं, तो फिर
मसाले पक जाते हैं तो तेल अलग दिखने लगते हैं। देखिए कहीं से पक रहे हैं मसाले। अभी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, थोड़े से पानी। ये दोनों थोड़े देर भून लेने होंगे आपको, जिससे कि थोड़े मसाले भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए ये ऑयल में। ये भून गए हैं, अब मैं इसमें डेढ़ कटोरी पानी डालूंगी। और अभी ये आपको, सो फ्रेंड्स अभी इसमें मैं नींबू का रस मिलाऊंगी 1 टेस्पून, और इसको फिर आप चलाने के बाद 2 मिनट के लिए ढक के रख दें मीडियम हीट पे। सो फ्रेंड्स अभी ये 2 मिनट हो गया है, अब मैं इसे कोरिएंडर लीफ से गार्निश कर दूंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।